हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज सुबह से एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है और कई उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ थी कि फर्स्ट फाइनल ईयर को छोड़ करके अदर क्लास के स्टूडेंट को प्रमोशन मिल गया है, यूजीसी ने कहा है। लेकिन इसी न्यूज़ का क्लेरिफिकेशन देते हुए यूजीसी ने अभी अभी एक नोटिस जारी किया हुआ है, तो चलते हैं उस नोटिस की तरफ कि आखिर वो नोटिस में क्या क्लेरिफिकेशन यूजीसी ने दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में यूजीसी का एक लेटर है, एक जो अभी अभी जारी किया गया, और नीचे जो है प्रोफेसर जो रजनीश दुबे, उनके साइन भी इस पूरे लेटर में ये लिखा हुआ है कि जो यूजीसी की जो है वो एग्जामिनेशन को लेकर के यूजीसी टाइम टू टाइम गाइडलाइन जारी किया था। यूजीसी ने 6 मई 2021 को एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें बोला गया है कि जो 6 जो मई माह में होने वाले एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाए, मतलब इस तक पोस्टपोन किया जाए। आगे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ, इन व्यू ऑफ द न्यू सर्कुलेटिंग इन द प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, इट इज क्लेरिफाइड दैट यूजीसी हैज नॉट इशूड एनी गाइडलाइन ऑन द एग्जामिनेशन रिसेंटली एंड द न्यूज इज इनकरेक्ट। इन्होंने लिखा है जो प्रिंट और डिजिटल मीडिया में न्यूज आ रही है कि जो यूजीसी ने कह दिया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन हो गए और अदर को प्रमोट किया जाएगा, ये न्यूज फेक है। यूजीसी ने कोई भी गाइडलाइन को जारी नहीं किया है प्रमोशन को लेकर के, एग्जामिनेशन को लेकर के। तो ये जो न्यूज सुबह से वायरल हो रही है कि फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा, ये न्यूज पूरी तरह से फेक है। अभी यूजीसी ने एग्जामिनेशन को लेकर के ना कोई गाइडलाइन जारी की और ना यूनिवर्सिटीज को लेटर भेजा है। यूपी के कई प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई थी, तो इसीलिए इसके वीडियोस भी बने थे, लेकिन यूजीसी की तरफ से अभी कोई गाइडलाइन ना हुई है। यूजीसी ने ना भी फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने को कहा है और ना ही प्रमोशन के लिए कहा है। तो ये न्यूज अभी फेक है, आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी करिए। तो अभी अभी यही ब्रेकिंग न्यूज थी, इसीलिए मैंने इसको आपके साथ साझा किया। और न्यूज के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।